फिर से एक बार हॉलीवुड वालों ने दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी ली है। आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज तो देखी ही होगी जिसमें दुनिया को खत्म होने से मूवीज के हीरो हमेशा बचाते हैं। तो फिर से एक और बार वो दुनिया को बचाने वाले हैं, मतलब उनकी और एक ऐसी मूवी आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शानेश्वरी, मेरे चैनल मुंबई का क्षणों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिए। तो वो मूवी है दी टुमारो वॉर। मूवी के ट्रेलर की बात करें तो टाइटल से ही पता चलता है कि ये एक फ्यूचर मूवी है, मतलब कि फ्यूचर में होने वाले वॉर के बारे में ये मूवी होगी। इसमें मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं क्रिस प्रॉट, तो वो एज अ डैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। जैसे हमारा फैमिली मैन, वैसे ही ये भी एक फैमिली मैन ही है। हमारा फैमिली मैन देश के अंदर के गद्दारों से लड़ता है और ये फैमिली मैन पृथ्वी पर जो हो रहे है अटैक उनसे लड़ता है और पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहा है। डैन का छोटा सा एक परिवार है जिसमें एक वाइफ और उसकी एक छोटी डॉटर है। वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो एक स्कूल टीचर है। वो घर आकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो तीनों फुटबॉल मैच देख रहे हैं। तभी अचानक फुटबॉल ग्राउंड पर फ्यूचर से एक स्पेसशिप जैसे कुछ फुटबॉल के मैदान पर लैंड होता है और उसे कुछ लोग आते हैं जो आर्मी के तरह ही वो दिखते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद पृथ्वी नष्ट होने वाली है। हमारी लड़ाई पृथ्वी के इंसान से नहीं है और पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। ट्रेलर में तो ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एलियन होंगे या फिर कुछ जीव। बस एक ही सीन में अजब प्राणी की तरफ एक जीव थोड़ा सा दिखाई देता है। अब वो क्या है ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, इसके लिए तो मूवी देखनी ही पड़ेगी। फ्यूचर से जो लोग आए होते हैं वो डैन का सिलेक्शन कर लेते हैं फ्यूचर में लड़ाई करने के लिए और उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि उसे वो आसानी से फ्यूचर में जा सके। वो जब फ्यूचर में जाता है तब उसे देखने को मिलता है कि पृथ्वी पर बुरी तरह से तबाही मच चुकी है और आपको यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं एडवेंचर्स के साथ। इस मूवी में एक्शन के साथ साथ इमोशन सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वाइफ जब उसे पूछती है कि आपको ही क्यों चुना गया है उन लड़ाई करने के लिए, तो वो कहता है कि ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, उसे बचाने के लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मुझे सारी दुनिया को भी क्यों ना बचाना पड़े वो मैं जरूर करूंगा। तो एक्शन और इमोशन इन दोनों का अच्छा खासा बैलेंस आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। ये वो मूवी रिलीज होने वाली है अमेजॉन प्राइम पर 2 जुलाई को। तो आई होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।